नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देश भर में महंगाई चरम पर है, जिससे आम लोगों का आर्थिक बजट डगमगाने लगा है। वहीं पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं नींबू, दालें, हरी सब्जियां और सरसों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों की रसोई का जो बजट है और थाली का जो स्वाद है वो दोनों बिगड़ गया है। दूसरी ओर अगर आप सरसों तेल के खरीदार है तो फिर ये सबसे अच्छा मौका है। इन दिनों सरसों का जो तेल है वो उच्चतम स्तर से करीब 35 से 40 रुपए प्रति लीटर सस्ते में बिक रहा है। एक बार फिर सरसों तेल 5 रुपए की गिरावट के साथ सरसों तेल अब 165 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं बीते महीने सरसों का तेल 170 रुपए के औसतम भाव पर बंद हुआ था। सरसों का तेल अब उच्चतम स्तर से करीब 30 से 40 रुपए कम में बिक रहा है। यूपी में पिछले दिनों में सरसों का तेल 164 रुपए था। वहीं दिसंबर 2021 में सरसों का तेल अपने अधिकतम रेट 200 रुपए तक जा पहुंचा था, ऐसा बाजारों के विशेषज्ञों का मानना है। विशेषज्ञों के मुताबिक बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेल तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राहत दी है। इसका असर कुछ महीनों के बाद देखने को मिल सकता है। यूपी में आज सरसों तेल की अधिकतम कीमत हमीरपुर में 174 रुपए प्रति लीटर पर खुले हैं, जबकि 6 फरवरी को सरसों के अधिकतम गाजीपुर जिले में 172 रुपए प्रति लीटर पर बंद हुए थे। वहीं सरसों तेल के भाव अधिकतम कानपुर में 180 रुपए प्रति लीटर थे। सरसों तेल पिछले काफी दिनों से महंगा बिक रहा था, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया था। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।